Hey guys, welcome back to our channel. This is Rahul and this is Julia. So today we are going to talk about how to convince your parents to do fashion design. बहुत ज़्यादा important topic है कि कैसे हम अपने parents को convince करें. ये हमारे लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट था व्हेन वी वर डूइंग फैशन डिज़ाइन. और मैं तो इतनी अपना स्टडी ख़त्म करने के बाद मैंने ये चूज़ किया और कैसे कन्विंस किया वो हम बताने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम आपको टिप्स देने वाले हैं कि क्या क्या करें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल बी देयर. सो लेट्स स्टार्ट. सो या आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्लीज एजुकेट योर पेरेंट्स अबाउट दिस फील्ड. अगर पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता है, उनको सेशंस में ले जाओ, उनको कॉन्फ्रेंस में ले जाओ. बहुत सारा ऐसे है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है, डेमो दिखाया जाता है कि क्या है इस बारे में, क्या होता है. मैगजीन्स दिखाओ. मतलब किसी ने अगर ऐसा किया है, फैशन डिजाइनिंग किया है, उनके बारे में वीडियोज दिखाओ. यू नो, उनको एजुकेट करवाना इस फील्ड के बारे में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट उनको, क्योंकि नहीं पता है. ये फैशन डिज़ाइनिंग फॉर देम इट मीन्स अ टाइप ऑफ अ टेलरिंग थिंग. दे डोंट नो व्हाट इट इज. तो उनको ए टू जेड पता होना ज़रूरी है. इसमें क्या क्या करियर है, क्या क्या चीज़ है. डिज़ाइनिंग अलग है, इसमें आपको मर्चेंडाइजिंग करनी है वो अलग है. इसमें देर आर लाइक मैनी फील्ड्स आर देयर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक मैंने भी जब मैंने माँ को अप्रोच किया था कि हाँ माँ मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो शी वॉज लाइक कि मैं अपने गांव में सारे रिलेटिव्स को क्या बोलूँ. लाइक मेरा बेटा दर्जी वाला बनने वाला, एटलीस्ट टू कॉमर्स कर, कॉमर्स करके एटलीस्ट टू बैंकर बन सकता है. बैंक में यू कैन बी एनी थिंग, एटलीस्ट तुझे नौकरी तो मिल जाएगी. फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे कहाँ पे नौकरी लगेगी. एंड ऑल दैट. अपने पेरेंट्स को इस फील्ड के बारे में बोलिए कि हाँ इस फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आपको. सो दैट्स द थिंग. सो आवर सेकंड टॉपिक इज डू योर रिसर्च वर्क प्रॉपरली. आप अगर किसी फील्ड में भी जा रहे हो, चाहे ये हमारा फैशन डिजाइनिंग क्यों ना हो, या सीए करने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, कुछ भी यूनिक आप कुछ भी हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो उसका स्टडी वर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ही पता नहीं होगा आप किस फील्ड में जा रहे हो, उसके बारे में ही पता नहीं है आपको, अगर किसी ने आपको बोला कि हाँ फैशन डिज़ाइनिंग करना है, चलो चल कर, वाह मज़ा है उस फील्ड में, चलो कर, हम भी करेंगे, हमें ड्राइंग आता है, चलो चलते हैं. नो नो गाइस, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में एवरीथिंग, और फिर ही आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएंगे. अगर आपको पता होगा फिर ही आप उनको हेल्प कर पाएंगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि रिसर्च वर्क. सो आवर थर्ड पॉइंट विल बी लिमिट्स. लाइक लिमिट्स इन द सेंस लाइक वेयर एवर यू आर गोइंग. लाइक if you're just going out or going for clubbing or partying and all that stuff, because ये सब चीज़ बहुत matter करता है कि आप कितने बजे जा रहे हो, because ये सब चीज़ parents को अच्छे नहीं लगते. and yeah, मतलब कि उन लोग सोचते हैं कि fashion world है, उन लोग जाएंगे, मेरे बेटे बेटियाँ बिगड़ जाएंगे. ये बहुत इट्स वेरी नेचुरल स्टफ. आई नो फैशन वर्ड सुनते ही उनके माइंड में आता है हमारे बच्चे फैशनेबल हो जाएंगे. दे विल, मतलब कि अभी तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट वहां जाके दे विल फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स. और ये सो ऑलवेज लाइक बी इन योर लिमिट्स गाइस, दैट्स द मेन थिंग. नेवर जस्ट डू ऐसा हरकत जो आपकी मम्मी आपका कान पकड़ के खींच के ले गए घर पे, नहीं तो चल बहुत हो गया फैशन. Always be hardworking, whatever like field you're choosing, and if you're just convincing your parents को पता रहना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा और बेटी बहुत hardworking है. Like whatever he choose, he or she can give her best. So that is the only one thing. कि आप कितना डेडिकेटेड हो अपने काम में और अपने यू नो जो भी आप करना चाहते हो कितना डेडिकेटेड वे में आप कर रहे हो, ताकि उनको कन्विंसिंग लगे कि हाँ ये अपने बच्चे कुछ सच में करना चाहता है और उसमें वो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं स्टडीज़ के अलावा भी. तो
इस तरह से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। माइंडसेट तो पता ही है कि ऑफ कोर्स कि पेरेंट्स लोग को वही डर रहता है कि मेरे बेटे बेटी को जॉब मिलेगा नॉट या नहीं मिलेगा, कितने अपॉर्चुनिटीज है, बट स्लोली थिंग्स आर गेटिंग चेंजिंग राइट नाउ। पेरेंट्स को कन्विंस करना, जब आपके यू नो एंसेस्टर्स और यू नो रिलेटिव्स एंड ऑल, जो किसी ने मतलब किसी ने ऐसा लिया भी ना हो, कुछ हटके आउट ऑफ द बॉक्स किया ही ना हो, उन पेरेंट्स को ऐसा कुछ बोलना मतलब उनको शॉक लगने जैसा है, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग, व्हाट इज फैशन डिजाइनिंग, हमें नहीं करवाना ये सब चीज़, सिंपली पढ़ो सीखो स्टडी करो टीचर बनो इंजीनियरिंग करो खत्म। अगर नहीं मन है पापा के शॉप, अगर कुछ बिजनेस है तो उधर जाके बैठ जाओ, दैट्स इट, डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। अगर आप चाहते हो आपको कोई शॉप खोल के दे, ठीक है हम खोल के देते हैं, आप वहाँ बैठ जाओ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आर लाइक दिस, तो आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग रखना है, आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको उनको बिठाना है, आपको उनको बताना है। आप अगर चाहते हो कि कोई आपके पेरेंट्स से बात करे तो आप प्लीज बात करवाइए, उन्हें कन्विंस करवाने की कोशिश करवाइए इस तरह से। तो इंस्पायरिंग बनो, इंस्पिरेशन बनो किसी के लिए, कोशिश करो कि आप उस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करो, करो ही, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप करोगे आपको देखकर बाजू के या 100 लोग और करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट फैशन डिजाइनिंग किया एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने वो छोड़ दिया, लेट गो किया। नो गाइस, यू हैव टू टेक दिस इन अ फर्दर वे। मैं किसको बोल पाऊँ कि हाँ आई जस्ट डिड दिस इन माय लाइफ, सो दैट्स द स्टफ दैट इज। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस एंड डोंट गेट, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस योर पेरेंट्स रादर फोर्सिंग देम। सो यस, बाय गाइस, एंड डू सपोर्ट अस। हैव एनी क्वेरीज और एनी एनीथिंग टू आस्क अस, जस्ट गिव अस कमेंट एंड ऑल दैट, विल definitely reply. Thank you so much. Thank you once again. Bye guys. So you guys, so she's the only one, she just helped me out for everything.